मॉर्निंग मैम। बेटे कल आपको बताया था किसके बारे में, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के बारे में, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। ये थर्ड वीक ऑफ द मंथ की ये एक्टिविटीज़ ही हैं। इसमें सेकंड जो है ये तो हो गया कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर बिजनेस करना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो कल आपको बताया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई बच्चा बिजनेस नहीं करना चाहता, इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, क्या करूं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जो सिलेक्शन करेंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, छोटी से छोटी जॉब के लिए, पहले वहां से शुरू करेंगे। आपको 12th पास जो है वो जरूरी है। क्या है? 12th पास, ठीक है, जैसे 4th क्लास के लिए 12th पास अभी। उसके बाद एक बोर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड हैं, जैसे SSRB, पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC। SSRB का मतलब है सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड, PSC का है पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये डिफरेंट बोर्ड्स कैसे सिलेक्शन करते हैं और कौन कौन से बच्चे इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन साइट्स पे जाके, जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो किन के लिए होगा, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, समझ आ गई। उसमें बहुत सी पोस्ट हैं, जैसे 4th क्लास की होगी, स्टेनो होगी, टीचर्स भी नॉन गेजेटेड में आते हैं, सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी नॉन गेजेटेड में आते हैं। तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो नॉन गेजेटेड कैडर में आती हैं और उनको कौन रिक्रूट करता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कौन करता है। और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। कुछ एक पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आपके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जहाँ पे 12 मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। तो फिर दूसरा आ जाता है PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर स्टेट का है, वो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा होगा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब का होगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, समझाई। हर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके अंडर जो वो रिक्रूटमेंट करते हैं वो गेजेटेड पोस्ट होंगी और वो स्टेट कैडर की होंगी, जैसे हमारे KS वगैरह जो होते हैं, ठीक है, KS के जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे किसके अंडर आएंगे, PSC के। जो डायरेक्ट लेक्चरर्स पोस्ट होती हैं, कॉलेज लेक्चरर्स की होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, वो सारे किस में आएंगे, PSC के अंडर, किसके अंडर, PSC। फिर आ जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंटर का होता है, उसके अंडर कौन से आएंगे, जैसे IAS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA वगैरह के होते हैं, क्लियर, जो सेंटर से रिक्रूटमेंट होती है उनकी, और वो सेंटर की पोस्ट होती है। उसमें ये नहीं है कि मैं जम्मू की हूँ और मैंने अगर कोई UPSC के लिए किया तो मैं जम्मू में ही सर्व करूँगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गई। तो उसके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन होती हैं। अगर किसी बच्चे ने जैसे देखना है कि मैंने SSRB में देखना है कौन कौन सी पोस्ट जो है वो अभी निकली हुई है, ठीक है, तो आपने SSRB.gov.in उस लिंक पे जाना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर, आप रजिस्टर, आपने अपने आप को पहले देखने के लिए पहले आपने क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। जब वो आप बटन दबाओगे उसके बाद वो लिंक मिलेगा जिसमें आपका नाम वगैरह, जेंडर सब कुछ आएगा, वो फिल करना है, लॉगिन करना है, फिर नेक्स्ट पेज आएगा आपको आपका
जिसमें लिखा होगा कि डिफरेंट पोस्ट मुझे देखनी है, तो जब आप उसको क्लिक करोगे वो पूरा पेज खुल जाएगा, आपको आ जाएगा कि इस SSRB के अंडर इस समय कौन कौन सी पोस्ट जो है वो अवेलेबल है और उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। कब उसकी डेट है, कब वो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने, उसी पे आपने ऑनलाइन फी जमा करानी होती है और लास्ट में सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो मेन हमारे ये हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड जो हैं वो मेन हम तीन देखते हैं, कौन कौन से, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर। जो SSRB होगा वो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, PSC हो जाएगा गैजेटेड बट स्टेट कैडर की, और यूनियन पब्लिक सर्विस हो जाएगा सेंटर की पोस्ट जो होती है जैसे IAS वगैरह, क्लियर। ओके।